महाविद्यालय द्वारा आज राजकीय नशे संघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें चतुर्सेनी राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर राही, मंत्री राणा प्रताप, वायक्स टेक्नीशियन देवेश शर्मा, राजकीय नशे संघ के जिलाध्यक्ष राम गोपाल सिंह, मंत्री कृष्णा बंसल, कल्पना खरे, मुन्नी वर्मा आदि कर्मचारियों ने स्थानांतरण नीति को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा शासन से स्थानांतरण स्वयं के अनुरोध पर करने के अलावा किसी भी अन्य स्थान न किया जाए इस पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर शासन ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो कार्य बहिष्कार 8 से 10 बजे तक 2 घंटे प्रतिदिन चलता रहेगा एवं आगामी 12 जुलाई 2021 को 10 बजे महानिदेशालय लखनऊ में घेराव किया जाएगा। देखिए फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट है, स्केच न्यूज। क्या नाम है आपका और किस मांगे? मैं देवेश प्रकाश शर्मा, जिलाध्यक्ष एक्सरे टेक्नीशियन एसोसिएशन। हम लोगों की तो मांग क्या है, एक मानवता में भी आता है वो, कि जब कोरोना काल में हम लोगों ने, हमारी सिस्टर्स बहनों ने, क्या फार्मासिस्ट ने, क्या हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने एक सरकार का जो साथ दिया, और उस साथ में हमें यही नहीं मालूम था कि हमारा दुश्मन है कौन, और उस दुश्मन की चिंता न करते हुए दिन रात हमारी बहनों ने, भाइयों ने, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने, जो कि गवर्नमेंट कोरोना योद्धा कहती है उनको, आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को एक तारीफ का एक वो कहते हैं ना, जो पुरस्कार के रूप में उन्होंने एक पुरस्कार के रूप में उन्होंने एक स्थानांतरण नीति को रखा। तो जो कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, माना उसको बराबर रखा है, चाहे वो कार्य कर रहा है रात में, दिन में काम चल रहा है तो काम कर रहा है वो। जो आदेश हमारे अधिकारी लोगों के मिले, उस आदेश अधिकार के तहत हम लोग चले, लेकिन आज तो स्थिति, सरकार की पॉलिसी तो एक वो ही है कि हरामी है तो उसको वो ही सजा, और अच्छा कर्मचारी है तो उसकी सजा वो ही। अब मुख्य उद्देश्य क्या है आज का? अब मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि हमारा लखनऊ लेवल से जो हम लोगों को आदेश मिल रहा है कि आपको कार्य बहिष्कार 2 घंटे का करना है, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हो रहा है, आज दूसरा दिन है हम लोगों का, कल तीसरा दिन होगा, कब तक करते रहेंगे? जब तक कि हमारा लखनऊ से हमें आदेश मिलता रहेगा हम उसी के अनुसार, उसी के तहत चलेंगे। और हम आपके कृष्णा बंसल जी, हमने इसलिए 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया है कि जैसे कि हमारा ट्रांसफर के नीति बनाई जा रही है, लेकिन आज जो हम कोरोना काल में इतने दिन से लड़ रहे थे, उस समय तो किसी को नहीं लगा कि हमें यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, कुछ किया जाए। अब थोड़ी सी मामले सेकंड लहर की शांत हुई, तीसरी लहर में अभी थोड़ा टाइम है, तो इसीलिए उर्धंग शुरू हो गया कि ट्रांसफर करा जाए ट्रांसफर। उस समय के दिन लोग भूल गए जब हम लोगों ने इस महामारी में काम किया, अपने घर को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, यहाँ पड़े रहे, और खुद भी हम अपनी जान जोखिम में डाला, यह भी नहीं परवाह की कि हम मरेंगे कि जिएंगे, हमारे घर वाले भूखे हैं कि प्यासे हैं। लेकिन आज जब हमें ट्रांसफर के लिए भेजा जा रहा है, हम लोग कहीं पे भेज दिया जाए तो वहाँ पर एक काम होगा कि हमें वहाँ पर कोई मकान भी नहीं देगा रहने के लिए, हम कहाँ भटकेंगे, और वहाँ अगर हम कोरोना काल में ड्यूटी करेंगे तो हमारे घर वाले अगर से पीछे से पीड़ित हो गए, कुछ होगा, उनका कौन साथ देगा? आज टीचिंग विभाग है वो सब बंद पड़े हैं, सब घरों से ड्यूटियाँ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो संघर्ष में ड्यूटी कर रहे हैं। एक अगर कोई भी यहाँ पर बॉर्डर पर जाके देखिए, एक जो सैनिक होता है वो ये देख सकता है कि मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है, हम कब कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तब भी हम इस सरकार का साथ दे रहे हैं। लेकिन जो वादे सब TADA सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन क्या हमने ड्यूटी नहीं की? सब लोगों ने घर से पैसा उठाया आराम से, तनख्वाह बिना ड्यूटी करे पाई, लेकिन हमने ड्यूटी करने के बाद DA बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद कर दिया गया, और ट्रांसफर नीति और अपना दी गई। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आज आप लोगों ने हड़ताल की है, मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या मांगे आपकी, जिस तरह से बदावाद के नारे लगाए जा रहे हैं? हमारी मुख्य मांग है कि जो कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ पर ड्यूटी की और अपनी जान जोखिम डाल के अपने घर वालों की चिंता न करते हुए, और अपने सैकड़ों हमने साथी खो दिए, उसके बावजूद भी इधर सरकार कहती है कि मैं तो क्या कहते हैं, आप छुट्टी नहीं लो, सारी छुट्टियां रद्द करी, हमारे DA कार्ड दिए गए, उसके बाद अब ट्रांसफर नीति हम पर सौंपी जा रही है। जब स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले जब कोरोना फैला था तो कोई भी शहर में मकान देने के लिए तैयार नहीं था, ऐसी में अगर इनका स्थानांतरण किया जाता है तो इनको कमरा कौन देगा, कहाँ पर ये रहेंगे? ऐसे में शासन को चाहिए इनकी
मरीजों के हित को देखते हुए, कोरोना काल की महामारी को देखते हुए सारे विद्यालय बंद रहे, इनकी ट्रांसमिटिविटी को बंद कर देना चाहिए और स्वयं के आधार पर किसी को व्यक्तिगत परेशानी है वो करवाना चाहता है तो उसके ट्रांसफर होने चाहिए, न कि जबरन नींद थोपनी चाहिए। इसके विरोध में हम सभी लोग राज्य कर्मचारी, यहाँ पर छत्तीस श्रेणी कर्मचारी के अध्यक्ष सुधीर राय, एक्स टेक्नीशियन के अध्यक्ष क्या कहते हैं ऋषि देवेश शर्मा जी और राज्य की नर्स संघ के अध्यक्ष मैं स्वयं राम गोपाल सिंह, महामंत्री कृष्णा बंसल, सभी लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हमारा कल भी ये था, आज भी है, कल भी रहेगा और परसों 12 तारीख को माननीय सरकार का घेराव किया जाएगा। यही हमारी मांग है कि इनको वापस लें, ट्रांसफर नीति बंद करें और जो हमारे शहीद हो गए हैं उनको जो पैसा है उसे दिया जाए। तो क्या नाम है आपका, किस तरह की गिरफ्तार की गई आज? मैं जगदीश कुमार, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट का जिला मंत्री फिरोजाबाद से हूँ और ये हमारे शासन की ट्रांसफर नीति जो है उसके विरोध में है। यहाँ पे कोविड काल में हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने दिल लगा के अपनी जान जोखिम में डाल के अपना कार्य पूरे मनोयोग से किया है और अब सरकार की नीति ये बनी हुई है कि जो है उनको यहाँ से ट्रांसफर करके दूर भेज दिया जाए, अपने परिवार से दूर भेज दिया जाए, जबकि हम कोविड काल में सब लोग तन मन से लगे हुए हैं अपने में। अच्छा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, एक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गिरीश बाबू कोटला गांव से आया हूँ मैं। क्यों आए? अरे ये बच्चा कुत्ते ने काट लिया है, उसके इंजेक्शन के लिए आया हूँ मैं, यहाँ पर कहाँ लग गया, पर्ची भी नहीं बनी है, कहाँ बनना है, यहाँ पर हड़ताल बता रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और पता किया है कि यहाँ पर है भी नहीं। आपका क्या नाम है? रुखसाना। कहाँ से आई है? हाजीपुर सर। क्यों खड़ी है? दवाई पर्चे के लिए। तो पर्चा बन नहीं रहा? अभी बना नहीं है। क्या कह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर, अभी गोली नहीं है, बेड ही नहीं, खिड़की नहीं खोली, खिड़की नहीं खोली, डॉक्टर बेड ही खिड़की।